हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडियन एडवांस स्टडीज। इस वीडियो में हम लोग डीबीटी जेआरएफ 2020 के रिजल्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। डीबीटी जेआरएफ 2020 का जो रिजल्ट है वो स्टार्ट हो चुका है। कैसे आपको रिजल्ट चेक करना है वो मैं बताऊंगा। कैसे आपको रिजल्ट चेक करना है डीबीटी जेआरएफ 2020 का वो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। स्टेप बाय स्टेप चेक करना है बिकॉज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सही तरीके से चेक करके सही इन्फॉर्मेशन पाना है, यही आपका मकसद है, यही हमारा भी है। तो आपको क्या करना है, किसी भी ब्राउज़र में google.com ओपन करना है और वहाँ पे आपको लिखना है डीबीटी जेआरएफ 2020 और उसके आगे आपको लिखना है आईएएस पेपर। आईएएस पेपर एक एक्सक्लूसिव वेबसाइट है जहाँ डीबीटी जेआरएफ 2020 का एडमिट कार्ड आपको मिलेगा। तो डेफिनेटली आप इसे ही लिखेंगे और इसे सर्च करेंगे। तो गूगल सर्च पे क्लिक करेंगे, जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे यहाँ देख सकते हैं डीबीटी जेआरएफ 2020 और यहाँ पे लिखा है आईएएस पेपर। एक्जैक्टली दिस इज व्हाट वी आर लुकिंग फॉर। आप इस पे क्लिक करेंगे, जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे नेट पे जाएंगे, यहाँ देख सकते हैं डीबीटी जेआरएफ बेट बीईटी का जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो गया। रिजल्ट डिक्लेयर हुआ 28 अक्टूबर 2020, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जूनियर रिसर्च फेलो जिसे बीईटी बोलते हैं, डीबीटी जेआरएफ जो है उसका रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है। कैसे चेक करना है ये मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। उससे पहले बता दूं कि जो सामने आपके फॉर्म है आप इस फॉर्म को ज़रूर भर दीजिए, अपना फुल नाम, अपना ईमेल एड्रेस यानी जो आपने रजिस्टर किया था ईमेल एड्रेस वही, आपको मोबाइल नंबर जो आपने रजिस्टर किया था वही मोबाइल नंबर, आप कौन से स्टेट से हैं। फॉर एग्जांपल आई एम फ्रॉम तमिलनाडु सो आई विल बी राइडिंग तमिलनाडु। आप कहीं और हो सकते हैं, तमिलनाडु कहाँ के हैं, तो मैं तमिलनाडु के एरोडे का हूँ। अगर आप किसी ग्रामीण क्षेत्र के हैं, गाँव के हैं, तो भी आपको अपने नज़दीकी शहर का नाम या फिर अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ लिखना है। अगर आप मेरी बात करें तो मैं ग्रामीण क्षेत्र में रहता हूँ, गांव में रहता हूँ, शहर से काफ़ी दूर है, दुर्गम इलाका है, बिजली पानी सुख सुविधाओं का, इंटरनेट इलेक्ट्रिसिटी रोड ट्रांसपोर्टेशन इन सारी चीज़ों का बहुत अभाव है। इतनी सारी परेशानियाँ होने के बावजूद भी कोशिश करता हूँ कि आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियोज़ दे सकूँ। तो कौन से कोर्स में आप इंटरेस्टेड हैं, तो यहाँ पे मैं एग्जांपल के तौर पे इंटरेस्टेड हूँ। जस्ट फॉर एग्जांपल यहाँ पे इंटरेस्टेड हूँ एग्जांपल के तौर पे आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज में और हाई या फिर साइंस पे क्लिक कर देता हूँ। साइंस में हाईएस्ट क्वालिफिकेशन यहाँ पे ग्रेजुएशन लिख के गेट फ्री काउंसलिंग पे क्लिक करना। उसके बाद क्या होगा, डीबीटी जेआरएफ से रिलेटेड जो भी अपडेट्स होंगी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी आपको ईमेल और एसएमएस के जरिए फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती रहेंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो गया। क्लिक हियर टू चेक रिजल्ट। यहाँ पे लिस्ट ऑफ क्वालिफाइड कैटेगरी आई और कैटेगरी टू, मतलब कैटेगरी वन कैटेगरी टू की है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिस्ट ऑफ कैंडिडेट क्वालिफाई किए हैं उन सबके यहाँ पे लिस्ट है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं सारे स्टूडेंट्स का यहाँ पे नाम है। यहाँ पे कैटेगरी टू के लिए जितने भी स्टूडेंट्स उन सबके नाम है। यहाँ पे रोल नंबर, स्टूडेंट्स रोल नंबर है, यहाँ पे नाम है। कंट्रोल एफ लेके आप रोल नंबर यहाँ से आप सिंपली रोल नंबर लिख के आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे किसी का नाम जस्ट लाइक सौरभ है, SOURABH, तो जितने भी सौरभ नाम के यहाँ हैं उन सारे के लोगों का यहाँ पे नाम आ जाएगा। तो इस तरह से आपको चेक करना है। और यहाँ पे आप क्लिक हियर टू चेक रैंक का, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे जूम कर देता हूँ, यहाँ पे अपना यूज़र आईडी लिखना है आपको और यहाँ पे पासवर्ड लिखना है। यूज़र आईडी और पासवर्ड लिखने के बाद लॉगिन पे क्लिक करना है और लॉगिन क्लिक करके आप अपना रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं। काफ़ी सिंपल है, काफ़ी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है उससे ओपन कर सकते हैं या फिर मैंने जैसे स्टार्टिंग में आपको बताया किसी भी ब्राउज़र में google.com ओपन करना है और वहाँ पे आपको लिखना है डीबीटी जेआरएफ 2020 और उसके आगे आपको लिखना है आईएएस पेपर। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने आपकी थोड़ी भी हेल्प की है, डेफिनेटली आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें अगर आपको ये वीडियो पसंद आई। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।